नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्क्रीन पर चलती ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक तेज रफ्तार कार एक बाइक वाले को टक्कर मार देती है। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बाइक वाला पीछे मुड़ने की कोशिश करता है और वहीं पीछे से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। उसके बाद गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और उस बाइक वाले को अस्पताल छोड़ते हैं, वहां उसका इलाज करवाते हैं। जब वीडियो की छानबीन की गई तो पता चला कि ये वीडियो में दिख रहा इंसान कोई और नहीं, कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह ने अपनी कार से टक्कर हुए इंसान को अस्पताल पहुंचाया, उसका इलाज करवाया और उसके बाद सफाई ये पेश की कि कार तेज रफ्तार में आ रही थी और गाड़ी वाले ने नहीं देखा। जी हाँ, यानी कि जो बाइक वाला है वो जिस तरीके से उसने मुड़ने की कोशिश की और तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी, इस वजह से दोनों में टक्कर हो गई। इस वीडियो में दिग्विजय सिंह उस शख्स को अस्पताल पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। एक और जहां इस वीडियो में दिग्विजय सिंह की प्रशंसा की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर इस वीडियो को सोची समझी राजनीतिक साजिश का नाम दिया जा रहा है। पहले तो टक्कर मारो और उसके बाद उसी शख्स को अस्पताल लेकर के जाओ ताकि लोगों से वोट बटोर सके कांग्रेस। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इस वीडियो में लगता है कि दिग्विजय सिंह की राजनीतिक साजिश है या फिर इसमें गलती बाइक वाले की है। वैसे तो सोशल मीडिया पर जब से ये वीडियो वायरल हुई है तो दो पक्ष सामने खड़े हैं। एक पक्ष वो है जो कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह की खूब तारीफ कर रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि दिग्विजय सिंह ने और खुद कांग्रेस पार्टी ने इसको एक प्लानिंग प्लॉटिंग के जरिए अंजाम दिया है और ये शख्स खुद कांग्रेस के पार्टी से मिला हुआ है। कॉमेंट करके आप बताइएगा कि आप इस वीडियो को देख करके क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।